वेलकम बैक टू खान अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट टाइप की ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, ड्रग्स क्या होती हैं, उनके उनकी टाइप्स क्या हैं और उनके इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या हैं। सो लेट स्टार्ट। ड्रग कोई भी ऐसी सब्सटेंस है जो आपकी कोई भी सेंसेशन लाइक पेन है या इमोशंस हैं उनको प्रीवॉक करता है, उनको कंट्रोल करेगा। जब आप इनको रेगुलर रूटीन में लेते हैं तो आप इस एडिक्टेड बन जाते हैं। लाइक आप एक सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं एडिक्शन, उसका मतलब है कि आप विदाउट ड्रग्स सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर आप ड्रग्स को छोड़ना भी चाहते हैं देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारी जो है वो सिम्टम्स होंगी जिसको हम अभी जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नारकोटिक्स जो है वो ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस है। इसका फंक्शन क्या है कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर किलिंग पेन किलिंग साइट्स हैं ये उनको बाइंड कर देता है। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल पेन किलर हार्मोन है ह्यूमंस बॉडी के अंदर दैट इज़ एंडोर्फिन। और इंडोर्फिन जो है ये क्या करते हैं उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अब जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है उसके अंदर नेचुरली हार्मोन्स या बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट सिचुएशन को टैकल करती हैं। जस्ट लाइक इंडोर्फिन पेन को जो है वो रिलीफ देता है। लाइक पेनिंग सिचुएशन है तो तब जो वो ह्यूमंस को पेन जो है वो एज एन पेन किलर हार्मोन एक्ट करता है। इन जब नारकोटिक आप डेली रूटीन में या एक्सेस में उसको लेना स्टार्ट हो जाते हैं तो एंडोर्फिन को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई नेचुरली कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई और कोई ऐसी वर्स सिचुएशन है कंडीशन है तब एंडोर्फिन अपना काम नहीं करेगा क्योंकि नारकोटिक्स जो है उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती है। सो आपको फिर नारकोटिक्स ही लेनी पड़ेंगी। लेकिन एक्सेस अमाउंट में नारकोटिक लेना स्टार्ट करते हैं तब भी बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं। लाइक इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट को देखें मोस्टली जो है ये चेंज इन मूड। इसमें लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूड जो है वो स्विंग करते हैं। लाइक डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक ही विद इन 5 मिनट्स जो है वो डिफरेंट 5 to 10 टाइप्स के मूड जो है वो स्विंग होते हैं तो उसमें वो सिचुएशन जो है वो वर्स बन जाती है। कभी जो है वो हैप्पी होता है इंसान और कभी जो है वो सैड मूड में चला जाता है या एक डिफरेंट ही जो है वो बिहेव करता है। नेक्स्ट जो है वो ड्रॉजीनेस है, लाइक स्लीपिंग कंडीशन है जिसमें इंसान को लाइक नींद आ भी नहीं रही होती, आ भी रही होती है लाइक वो उसको नहीं पता चलता कि जो सिचुएशन है वो क्या है, वो स्लीपी फील करता है लाइक इनएक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट जो है वो नौजिया एक कंडीशन है जिसके अंदर लाइक एक सेंसेशन टाइप है जिसमें वोमिट जो है वो फील होता है लाइक यू हैव यू जस्ट वांट टू वोमिट लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो सिचुएशन है जब आप नारकोटिक को ज़्यादा इनटेक करते हैं तब क्रिएट होती है। उसके अलावा वॉमिटिंग, फिर एफोरिया है। एफोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जब आप नारकोटिक को इनटेक करते हैं या कोई भी ड्रग्स को इनटेक करते हैं तो आप क्या करते हैं लाइक इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग। लाइक आप विदाउट एनी लॉजिक विदाउट एनी रीज़न हैप्पीनेस फील कर रहे होते हैं या फिर जो है वो एक एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं होती। लेकिन ये जो क्योंकि अब नारकोटिक इनटेक बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस वजह से ये होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूफोरिया। ये जो है वो वेलबींग कंडीशन है एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की। नेक्स्ट जो है नारकोटिक ड्रग्स की टाइप्स हैं, लाइक यहाँ पे जो 5 टाइप्स हैं हेरोइन, मैरिजुआना को हम हशीश भी कहते हैं और ये एक प्लांट है लाइक कैनाबिस सेटिवा हम उससे इसको लेते हैं। देन जो है वो निकोटीन है, अल्कोहल एंड इनहेलेंस। सो हम इसको जो है वो 1 by 1 डिस्कस भी करेंगे। हेरोइन जो है वो मोस्टली पपी प्लांट्स उनके सीड पॉट होता है लाइक के वो वाला प्लांट का पोर्शन जिसके अंदर सीड्स जो हैं वो स्टोर होते हैं उसको हम कहते हैं सीड पॉट। तो जो है हेरोइन है वो मोस्टली पपी प्लांट के सीड पॉट से जो है वो ली जाती है और जब उसको प्रोसेस किया जाता है देन हम इसको इसकी परसिस्ट फॉर्म को कहते हैं मॉर्फिन। और ये एज एन पेन किलर जो है वो एक्ट करती है और पेन लाइक मोस्टली जब ड्रग्स हैं जितनी भी टाइप्स हैं वो इंसान तभी लेता है जब वो अपनी लाइक एक हार्श कंडीशन में से जो है वो गुजरा हो, लाइक इमोशनली कोई एक अलग सिचुएशन है या फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तब ये लोग जो है डिफरेंट लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ आते हैं। लाइक वो ये क्योंकि एज एन पेन किलर एक्ट करते हैं और फिर उसके अलावा जो है वो एफोरिया वही कंडीशन है जिसमें एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फील होती है विदाउट एनी रीज़न।
तो ये भी वही कंडीशन है जो हिरन को लाइक एक्सेस अमाउंट में इनटेक करते हैं तो तब क्रिएट होती है। इसके अलावा इसको हम इंजेक्ट कैसे करते हैं लाइक इंट्रावेनस, लोग जो है वो वेन्स के थ्रू इसको इंजेक्ट करवाते हैं, फिर इंट्रा मस्कुलर लाइक मसल्स के थ्रू इसको इनटेक करते हैं, फिर लोग स्निफिंग करते हैं या एज एन स्मोक भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको लेते हैं तो फिर डिफरेंट जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं। यहाँ पर देखें आप पपी प्लांट है और ये जो है ये पपी प्लांट है और ये जो है वो सीड पॉट है और सीड पॉट के अंदर यहाँ पर जो है वो सीड्स होते हैं। ये जो सीड पॉट है इससे हेरोइन जो है वो ली जाती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स वही नोज़िया जिसमें वॉमिटिंग कंडीशन जो है वो फील हो रही होती है लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है। देन वॉमिटिंग, फिर डिस्फोरिया, डिस्फोरिया में एबनॉर्मल डिप्रेशन है लाइक कोई रीज़न नहीं होगी डिप्रेशन की लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा कि जो पर्सन है जो एडिक्टेड है टूवर्ड्स हेरोइन तो वो जो है वो एक एबनॉर्मल डिप्रेशन कंडीशन में चला जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्फोरिया। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है लाइक जो हार्ट बीट या ब्रीथिंग सिस्टम है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है, इचिंग मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर खारिश हो रही होती है, ड्राई माउथ मींस के आपका जो बॉडी है वो टोटली डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट का मतलब है कि पानी जो है उसकी कमी फील होती है तो वो जो है वो माउथ जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो वहाँ पे आपको फील हो रहा होता है कि माउथ जो है वो ड्राई है और बॉडी जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट है। इसके अलावा जो है वो अल्टीमेटली अबॉर्शन भी जो है वो इज़ एन साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेरोइन। सो नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ मैरिजुआना जिसे हम हशीश भी कहते हैं और इसको हम कैनाबिस सेटिवा प्लांट है उनके लीव्स स्टेम या फिर फ्लावर्स से लेते हैं। जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि टोटली जितनी भी ड्रग्स हैं वो टोटली बॉडी को रिलैक्स करने के लिए या फिर जो है वो एज इन पेन किलर एक्ट करती हैं और उसके अलावा जो है वो यूफोरिया काज करती हैं। यूफोरिया मीन्स एक्साइटेशन या फिर हैप्पीनेस है विदाउट एनी लॉजिक। फिर इसके जो है वो कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हैं क्योंकि बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो एज एन मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं, जस्ट लाइक मैरिजुआना एड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, कीमोथेरेपी में यूज़ होती है। कीमोथेरेपी जो है वो एक ट्रीटमेंट है जो कैंसर पेशेंट को के लिए किया जाता है कैंसर पेशेंट की रिकवरी के लिए। नेक्स्ट जो है वो ग्लैकोमा है। ग्लैकोमा जो है वो एक आई डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी आइज़ के अंदर जो फ्लूइड होता है लाइक वाटरी मटीरियल है वो एक प्रेशर इंजर्ट कर रहा होता है आपकी कॉर्निया के ऊपर, रेटिना के ऊपर, तो फिर वो जो एक कंडीशन अगर रहती है लॉन्ग टर्म तो एट द एज ऑफ 60 लोग जो है वो कह रहे थे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इसको जो है वो अगर आपको आइडिया है कि आपकी आइज़ में कोई इरिटेशन है या कोई प्रॉब्लम है देन यू मस्ट विजिट टू द डॉक्टर और फिर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए क्योंकि टोटली जो मैरिजुआना है वो क्या करता है इंट्रैक्यूलर आई प्रेशर को रिड्यूस करता है जो फ्लूइड एग्जर्ट करने से जो है वो ये डिजीज़ क्रिएट हो रही थी ग्लैकोमा। तो जब ये इसको रिड्यूस कर देता है तो वो जो डिजीज़ होती है काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। कैनाबिस सेटिवा है, इसके लीव्स और ये फ्लावर और स्टेम से जो है वो हम मैरिजुआना को हासिल कर सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं डिसोरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक इंसान जो है वो ऐसी सिचुएशन में चला जाता है जिसमें उसको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता होता, लाइक वो अपने आप को नहीं रिकग्नाइज कर सकता कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसको डेट का कुछ आइडिया नहीं होता और भी लाइक वो जिसकी मेमोरी लॉस आप कह सकते हैं उसको कुछ याद नहीं होता, या अगर वो कोई भी विद इन फाइव मिनट्स जो है वो उसकी वापस आ रही होती है याददाश्त और फिर जो है वो एक ही सडनली जो है वो फिर उसकी याददाश्त जो है वो गायब हो जाती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसओरिएंटेशन। नेक्स्ट जो है वो एंग्जाइटी, एक आप बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं मैरिजुआना देन जो है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। उसके अलावा जो है वो इल्यूजन है, इल्यूजन टोटली जो है वो फॉल्स बिलीफ हैं, ऐसे बिलीफ हैं जो रियलिटी से बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो, लाइक वो रियलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो ऐसे बिलीव्स को हम कहते हैं इल्यूजन्स। और नेक्स्ट इट्स जस्ट लाइक हेलुसिनेशन, लेकिन हेलुसिनेशन और जो इल्यूजन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक इल्यूजन्स जो हैं वो फॉल्स बिलीफ हैं जो रियलिटी से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, लेकिन जो हेलुसिनेशन है वो टोटली एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ऐसा एक इंसान को फील हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है लेकिन इन रियलिटी
ग्रेविटी ऐसा होता नहीं है, कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी आवाज़ें आती हैं जिसमें मतलब उसको लगता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है, या डिफरेंट किसी के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन इन रियलिटी वो आवाज़ें होती नहीं हैं। या फिर उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है लाइक वाइट गाउन में कोई जो है वो खड़ा नजर आता है, लेकिन इन रियलिटी जो है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। नेक्स्ट जो है वो निकोटीन है। निकोटीन टोटली जो है वो अल्कलॉइड्स हैं और ये टबैको में प्रेजेंट होती हैं। टबैको से हम लोग इन निकोटीन को हासिल करते हैं। ये इफ़ेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में वाटर रिटेंशन है। वाटर रिटेंशन का मतलब है कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू होता है। नेक्स्ट इरेटेबिलिटी है, लाइक इरीटेटिंग सिचुएशन है, कोई छोटी सी भी बात हो तो वो एक इंसान जो है वो हर सिचुएशन को एज एन इरीटेंटली बिहेव कर रहा होता है, कि उसको हर छोटी से छोटी कंडीशन जो है वो उसको इरीटेट कर रही होती है। नेक्स्ट ये हार्ट बीट जो है उसको इंक्रीज करवा देता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अपसेट्स हैं, गैस्ट्रिक अपसेट्स जो हैं वो लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अपसेट्स। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अल्कोहल जो है वो टोटली सॉलेबल है और ये जितने भी ब्लड में ब्रेन बैरियर्स होते हैं उनको इजीली क्रॉस कर देते हैं, इसलिए जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल से रिलेटेड वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इनके भी कुछ जो है वो जब आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं अल्कोहल को तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जनरेट होते हैं, लाइक डिसऑरिएंटेशन जो हमने भी डिस्कस किया था कि ऑल्टर्ड माइंड स्टेट है जिसमें इंसान को अपनी आइडेंटिटी डेट और जो है वो मेमोरी भी उसकी लॉस हो जाती है। तो ये कंडीशन जो है डिसऑरिएंटेशन है। इसके अलावा अनकोऑर्डिनेटेड मोटर फंक्शन है। अनकोऑर्डिनेटेड मोटर फंक्शन का क्या मतलब है, लाइक के अगर स्टिमुलस रिसेप्टर और इफेक्टर्स जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कि अगर एक इंसान बहुत गर्म लाइक एक जस्ट सपोज के एक गर्म जो है वो चाय का कप है, अगर उसको वो हाथ लगा रहा है एंड उसको लाइक फील होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी गर्म है, उसको हाथ पीछे कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके जो मोटर फंक्शन है वही कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो वहाँ से कोई उसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा, तो उसको नहीं आइडिया होता कि ये चीज़ गर्म है एंड आई नीड टू बैक माय हैंड। तो जब उसको इस तरीके से कोई फीलिंग नहीं आती तो ये जो सिचुएशन है हम इसको कहते हैं अनकोऑर्डिनेटेड मोटर फंक्शन। नेक्स्ट जो है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में का लीवर काइरोसिस। लीवर काइरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर के हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं स्कॉर्ड टिश्यूज़ के साथ जो अनहेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से जो है वो फिर लीवर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट विदड्रॉल सिम्टम्स, अभी जैसे हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि ड्रग्स टोटली हैबिचुअल बना देती हैं इंसान को, एडिक्टेड बना देती हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप उसको छोड़ना चाहते हैं, लाइक विदड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं, जब आप उसको छोड़ रहे हैं लाइक अल्कोहल को अगर छोड़ रहे हैं तो तब भी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्वसनेस, एंगजाइटी, इरिटेबिलिटी, लाइक आप इरिटेट हो रहे होंगे डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, फिर डिप्रेशन है, हेडेक, सरदर्द होगा, फटीग। फटीग जो है वो मसल से रिलेटेड है, लाइक आपके मसल्स जो है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में मसल्स जो है वो काफ़ी पेनफुल होते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं टायर्डनेस या फिर फटीग। फिर नेक्स्ट जो है वो हेलुसिनेशन है। क्या होता है कि वही लाइक फॉल्स सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, जैसे में इंसान को कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं या कोई पीछे खड़ा दिखाई देता है, तो ये सिचुएशंस जो है इन रियलिटी होती नहीं है लेकिन उसको ऐसा जस्ट फील होता है, तो ये सिचुएशन इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। नेक्स्ट जो है वो इनहेलेंट्स हैं। इनहेलेंट्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं और वो माइंड एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, और ये मोस्टली जो है वो ग्लू थिनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेंट में, और पॉलिश, नेल पॉलिश रिमूवर जो है उसमें भी इनहेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूल गैस नाइट्रेट और एनेस्थीजिया गैसेस जो हैं वो इनहेलेंट्स हैं, और इनके भी लाइक आप बहुत ज़्यादा जब इनहेलेंट्स को यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर तो इनके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लाइक अपने कंट्रोल में नहीं होते, लाइक आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, फिर नोज़िया, लाइक सेंसेशन ऑफ वांटिंग टू वोमिट, फिर अनकॉन्शियसनेस है जिसमें आप जो है वो आपको आप होश में नहीं होते, उस सिचुएशन को कहते हैं अनकॉन्शियसनेस, या फिर गिरीनेस जिसमें आप लाइक एक खराटे वाली सिचुएशन है, डिजीनेस कंडीशन, उसको हम कहते हैं
नेक्स्ट योर लॉस ऑफ एपिटाइट, लाइक आपको भूख नहीं लगती, फिर हेलुसिनेशन है, फिर स्लर्ड स्पीच है. स्लर्ड स्पीच मतलब कि जो आपकी वॉइस है वो क्लियर नहीं है, लाइक ऐसे फील हो रहा था जैसे आपकी वॉइस के अंदर वाइब्रेशंस हैं, तो इस तरीके की स्पीच को हम कहते हैं स्लर्ड स्पीच. फिर जो है वो हार्ट पैल्पिटेशन, क्या होता है कि आपकी जो है वो हार्ट बीट समटाइम्स इतनी फास्ट हो जाती है कि कुछ एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स भी जो है वो आती हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है हार्ट बीट कि कुछ से हार्ट बीट जो होती है स्किप्ड फॉर्म में जाती हैं, तो ये सिचुएशन जो है इसको हम कहते हैं हार्ट पैल्पिटेशन. नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस इसमें क्या डिफरेंस है. लाइक ड्रग एडिक्शन तो वो है कि आप इलीगल ड्रग्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं और अब उसको छोड़ना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इवन के वो बहुत सारी आपके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट्स भी नज़र आ रहे हो. लाइक आप निकोटीन को इनटेक करते हैं तो इमिजिएटली या सडनली कोई इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन स्टिल आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं. ये कंडीशन जो होती है उसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं. लेकिन ड्रग टॉलरेंस जो है वो एक कंडीशन है जिसमें आप लाइक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ड्रग के बिल्कुल ही डायमेंश हो जाते हैं. वो उसमें ड्रग्स जो है वो आप डेली इनटेक कर रहे होते हैं या आप रेगुलर रूटीन पे जब ले रहे होते हैं तो वो जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो डायमेंश हो जाता है, वो गायब हो जाता है. फॉर एग्जांपल आप डेली टी लेते हैं उसमें कैफीन प्रेजेंट है, कॉफ़ी इनटेक कर रहे हैं उसमें भी कैफीन प्रेजेंट है, लेकिन वो इमिजिएटली या थोड़ी देर बाद भी कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती क्योंकि आप उसको रूटीन वाइज ले रहे होते हैं, तो वो कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं होता वहाँ पर. इसके अलावा सिगरेट स्मोकर जो हैं वो भी डेली जो है वो सिगरेट स्मोक करते हैं लेकिन उनका भी नर्वस सिस्टम जो है वो एज इट इज़ उसको रिस्पॉन्स जो वो जनरेट नहीं करता. सो ये कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं ड्रग टॉलरेंस. लेकिन ड्रग टॉलरेंस के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक वो टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो इफ़ेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो तीन हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेसेंट्स, फिर स्टिमुलेंट्स एंड हेलुसिनोजेंस. डिप्रेसेंट्स जो हैं इसके अंदर अल्कोहल एंड हीरोइन जो है इन दोनों को हम कहते हैं ये डिप्रेसेंट्स हैं, और ये क्या करते हैं लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को स्लो कर देते हैं, और क्योंकि ये ड्रग्स हैं तो ये बॉडी को रिलैक्स फील करवाती हैं. इसके अलावा जब ये लार्जर अमाउंट में इनटेक की जाएँ तो तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं लाइक वॉमिटिंग या डिस्टर्ब कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसके अंदर नहीं होता. फिर उसके अलावा यहाँ पर जो है वो स्टिमुलेंट्स हैं. स्टिमुलेंट्स जो है उसमें कैफीन, निकोटीन और कोकेन इनको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं. ये जितने भी हमारी फंक्शंस होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को. फिर जब इनको भी आप लार्जर अमाउंट में लेते हैं तो ये भी जो है वो डिप्रेशन कॉज करते हैं, एंग्जाइटी लाइक स्टमक क्रैम्प्स कॉज करते हैं. थर्ड फॉर्म जो है वो हेलुसिनोजेंस है. इसमें जो है वो कैनबिस डेटोरा जो है वो ये इंटरफेयर करता है डिफरेंट हार्मोन्स के साथ या ट्रांसमीटर्स के साथ, लाइक एसिटाइल कोलाइन है ये न्यूरोट्रांसमीटर है. तो जब ये एसिटाइल कोलाइन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है और जब ये कैनबिस डेटोरा इसके साथ इंटरफेयर करता है तो ये न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती. उसके नोरेपाइनेफ्रिन है उसमें वो क्या करता है इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, लेकिन जब कैनबिस डेटोरा इसके साथ इंटरफेयर करता है तब ये एक्टिविटी जो है वो इतनी फॉल नहीं रहती. फिर उसके अलावा जो है वो सेरोटोनिन है, ये हार्मोन है, ये मूड को स्टेबलाइज करता है. जब कैनबिस डेटोरा इसके साथ सेरोटोनिन के साथ इंटरफेयर करेगा तो मूड भी जो है वो स्विंग होंगे. इसके अलावा ये परसेप्शन को इफेक्ट करता है, लाइक विजुअल कंडीशंस हैं या फिर जो है वो हियरिंग कंडीशन से रिलेटेड कोई फॉल्स कंडीशन क्रिएट होती है, जस्ट लाइक कोई दिखाई दे रहा होता है या फिर कुछ सुनाई दे रहा होता है लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है. तो ये जो है वो परसेप्शंस इफेक्ट हैं. सो दैट वॉज ऑल. आई होप कि आपको समझ आई होगी. एंड स्टिल अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क इन द कमेंट. थैंक यू. Oh, 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 oh